दो ही आइटम चलता है, काफी भीड़ अच्छा, रहता दो ही है आइटम तो, मैनेज नहीं कर पाते हैं। दो ही आइटम नहीं हो पाता है यहाँ तो भैया लोग इंतजार कर रहे हैं। ये पोर्ट हो गया, ये कलेजी का, ऐसे कलेजी हो गया। तो हेलो जी, वेलकम टू अनदर फूड ब्लॉग। और मैं आ चुका हूँ झारखंड की राजधानी रांची में। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ उसे बोला जाता है बिरसा चौक। मैं आ चुका हूँ यहाँ पे पोर्ट कलेजी के नाम से, भैया बहुत फेमस है। तो यहाँ पे हमारे साथ आ जाए भैया। पहले तो नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश हुआ। मुकेश, हमारे साथ मुकेश जी हैं। मुकेश जी, क्या ऐसा मतलब खिला रहे हो आप कि झारखंड वाले इतना मतलब आप ही के पास दौड़े दौड़े आ जाते हैं और भीड़ लगना स्टार्ट हो जाता है? पोर्ट कलेजी सब यहाँ फेमस है, पोर्ट कलेजी खाने के लोग काफ़ी दूर से लोग आते हैं। पोर्ट कलेजी हाँ, क्या होता? बहुत लोगों को नहीं पता है पोर्ट कलेजी होता क्या, ये बता दीजिए। वो चिकन का पोर्ट लिवर होता है। अच्छा, चिकन का पोर्ट और लिवर। हाँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, अभी आया हुआ है ना? अभी आया हुआ है। अच्छा, ये पोर्ट हो गया, ये पोर्ट हो गया, अंदर का हिस्सा है, पार्ट है, चिकन का ही पार्ट है, चिकन का पार्ट है अंदर का। अच्छा, और इसे कलेजी का, इसे कलेजी हो गया। अच्छा, ये सब छोटे छोटे पीसेस में अभी मैरिनेट हो रहा है। इतनी बल्क क्वांटिटी में आप लाते कैसे? वो काफ़ी दुकानों से कलेक्ट करते हो ना? कलेक्ट। अच्छा, और ये बताइए कि कब से आपका दुकान है? ये दुकान तो करीब 17 से 18 साल हो गए। 17 से 18 साल? ये बिरसा चौक में, इसी जगह पे? बहुत सारे व्यूअर कंफ्यूज है, लोकेशन एक बार बताना कहाँ पे आना हो अगर किन्हीं को आना हो। ये प्रॉपर बिरसा चौक है। अच्छा, अगर आप मेन रोड से आएंगे, हाँ, रांची मेन रोड तरफ से आएंगे तो आपका लेफ्ट साइड, ये राइट साइड पड़ेगा। अच्छा, सामने में हटिया स्टेशन, रेलवे स्टेशन का अच्छा बोर्ड लगा हुआ, उसी के जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट, जस्ट वो तो होते रहेगा बात। और यहाँ पे भी ये क्या हो रहा है? ये पोर्ट कलेजी डाला गया है अभी। अच्छा, पोर्ट कलेजी फ्राई हो रहा है? फ्राई हो रहा है, मतलब जो वहाँ कटिंग हुआ, कटिंग हो करके मैरिनेट हो करके यहाँ पे केवल फ्राई हो रहा है। अच्छा, फ्राई हो रहा है। हाँ, अभी यहाँ पे मसाला पे डाल। अच्छा, मसाला पे होगा, तड़का लगा के बने, तड़का लगेगा। तो ये सब कार्यक्रम यहाँ होते रहता है और लाइव यहाँ पे आपको पोर्ट कलेजी फ्राई होगा। फ्राई होने के बाद तवा पे जाता है, तवे पे अच्छा से मसाला के साथ। और यहाँ पे क्या क्या आइटम मिलता है वैसे? दो ही आइटम चलता है, काफ़ी भीड़। अच्छा, दो ही आइटम मैनेज नहीं कर पाते हैं? दो ही आइटम नहीं हो पाता है। एक चिली चिकन है। अच्छा, चिली चिकन का ऑप्शन? चिली चिकन। अच्छा, क्या प्राइस क्या रहता है यहाँ पे लोगों का, मतलब कितना रहता है प्राइस इसका? प्राइस पोर्ट के लिए का 100 रहता है फुल का, और हाफ का 50। आपका 50? आपका 50। अच्छा, मतलब सबसे बेस्ट इसको चखना के लिए मान सकते हो आप? हाँ। और ऐसे शाम का थोड़ा चटपटा सा नाश्ता के लिए मान सकते हो? अच्छा, अभी आपको खाली दिख रहे हैं ये, बट थोड़ी देर बाद में बात करने का टाइम नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इनका हाथ ऐसे चलते रहता है एकदम स्पीड की तरह, ये फिर फुर्सत नहीं रहता ना कस्टमर हैंडल करना आपको। तो ये देखो, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, ये कौन सा पीस रहता है? ये चिकन चिल्ली का कटिंग करके पीस किया हुआ है पहले। अच्छा, चिकन चिल्ली का कटिंग करके पीस है। करीबन अभी कितना केजी होगा एक लॉट में? अभी कितना केजी होगा एक लॉट में? तो ये 25 किलो का है। 25 किलो का है। अच्छा, तो देख सकते हो छोटे छोटे पीस होते हैं चिकन के, वो पीस बोन वाले और बोनलेस दोनों है ना? दोनों मिक्स रहता है ना, गोटा चिकन का रहता है। अच्छा, गोटा चिकन का रहता है। तो आप मतलब पूरा गोटा चिकन उसको कटिंग करवाते हो? ये अभी मैरिनेट करके अच्छा ऑयल में फ्राई होगा। अच्छा, फ्राई होगा उसके बाद। तो सूरज जी अभी क्या करने वाले, चिकन को मैरिनेट? तो ये आ गया चिकन, आप देख सकते हो यहाँ जो बोन और बोनलेस दोनों पीस रहता है ना? दोनों रहता है। अच्छा, गोटा मुर्गा रहता है, एक बार में 2-3 में बनता है। एक मतलब एक गोटा मुर्गा रहता है? दो गोटा है। ये क्या डाल दिया? आरा रोट है। तो आरा रोट रहता है, फिर चिकन का पीसेस रहते हैं। और अभी कितना केजी होगा करीबन ये? इसमें होगा 3 केजी होगा। 3 केजी ना? अच्छा, तो इसको अच्छे से आरा रोट में मिलाया जाता है, फिर उसके बाद नमक डालते हैं। अच्छा, नमक। अच्छा जी, फिर आ गया नमक, पानी है। अच्छा, फिर पानी भी हल्का सा ना, पानी डाल, मतलब अच्छे से मिल जाए पूरा कलर है चिकन, फ्रूट कलर। अच्छा, फ्रूट कलर। इस कितना देर कम से कम रहता है ये? हाँ, मतलब मैरिनेट करके कितने देर रख सकते हैं? 5-6 मिनट रहता है। 5-6 मिनट ना बनते रहता है, अभी खाली में तभी तुरंत डाल के शाम के डाल लेते। अच्छा, तुरंत कलर ही डाला हुआ ना? अच्छा, चलो थोड़ा सा, मतलब एक लॉट खत्म दूसरा लॉट स्टार्ट? हाँ, यही ना, फिर डलाएगा फिर निकलेगा फिर डलाएगा वो। अच्छा, ऐसा होता है। अभी पोर्ट के लिए जी कटिंग किया जाता है पहले ना? हाँ। अच्छा, छोटा छोटा काट के, छोटा छोटा पीस कट जाता है उसको? हाँ, इतना छोटा। यहाँ पोर्ट हो गया, कलेजी हो गया, इसको कटिंग किया जाता पोर्ट है। अच्छा, कलेजी ब्लैक वाला, ये वाला पोर्ट है? हाँ, पोर्ट चिकन का ही पार्ट होता है और उसको लोग यहाँ बहुत ही अच्छे से चाव से खाना पसंद करते हैं ना भैया? हाँ। अच्छा, धड़ाधड़ भैया का हाथ भी चल रहा है, कटिंग होते जा रहा है। पोर्ट कलेजी ना भैया लगने वाला है? अच्छा,
पोट कलेजी लगने तो ये तेल पे गर्मा गर्म का तवा है, उसमें तेल डल गया। इसमें तड़का मारने के लिए तेल डाले थोड़ा सा। अच्छा, और ये फिर के बाद कटा हुआ लहसुन। कटा हुआ लहसुन, हाँ। अच्छा, ये मिर्ची कटा हुआ, हरा मिर्च, थोड़ी सी जीरे पाउडर। जीरा पाउडर है ना, हाँ। ये थोड़ा तड़का लगाने के लिए देते हैं साथ में, उसके बाद तेल देंगे। ये मसाला, मसाला, हाँ, इसी से बनाया जाएगा। ये पहले से रेडी किया हुआ रहता है। अच्छा, तो ये मसाला आप पहले रेडी कर लेते हो घर पे? पहले रेडी कर। अच्छा जी, हाँ, घर से ही बना हुआ रहता है। इस मसाला में क्या क्या रहता है मिक्स? ये मसाला में बहुत सारा गोलकी हो गया, जीरा हो गया। अच्छा। गरम मसाला, चिकन मसाला हो गया, अदरक लहसुन प्याज मिर्चा सब उसमें रहता है। सारा कुछ मिक्स करके रहता है। हाँ, कि एक बार तवा में डालिए और अच्छे से इसको फ्राई करके तड़का, बस खाली ये बना हुआ रहता है ऑलरेडी, यहाँ तड़का लगा के डबल फ्राई करते हैं। डबल फ्राई करते हैं, तो देख सकते हो। इसमें अभी कितना जाने वाला है करीबन? ये अभी 4.5-5 kg आ जाएगा। 4.5-5 kg इस तवे में आ जाएगा? हाँ। अच्छा, एक बार में बनेगा, एक बार में बन जाएगा। तो इधर देखो, यहाँ पे बन भी गया है पोट और कलेजी, यहाँ फ्राई हो गया। डीप फ्राई करना पड़ता है ना पूरा उसे? हाँ, थोड़ा सा डीप फ्राई, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं रहता, हल्का जूसी रहता है। अच्छा, जूसी रहता है फ्लेवर। और करीबन कितने बजे तक रहता है रात में? रात में तो हम लोग रहते हैं 9:30-10 रहते हैं। 9-10 बजे पोट कलेजी खत्म हो जाता है 8 बजे तक। अच्छा, 8 बजे तक खत्म? हाँ, 7:30-8 बजे, उसके बाद फिर चिकन चिल्ली मिलता है। अच्छा, चिकन चिल्ली रहता है। अभी टाइम हो रहा है, अभी 6 भी नहीं बजा है, शाम का समय है। और बिरसा चौक में इसमें क्या डाला अभी? ये काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च पाउडर आ गया, ये जीरा पाउडर। जीरा पाउडर हो गया, और ये गरम मसाला घर का कूटा हुआ। अच्छा, घर का मसाला, गरम मसाला। अच्छा, तो ये सारे मसाले के बाद चिकन मसाला MDS का। चिकन मसाला है, ओहो, मतलब चिकन मसाला जलने के बाद। और ये क्या है, पानी? ये हल्का सा पानी डालते हैं कि मसाला बढ़िया से चिपक जाए इसमें। और मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, अभी मैं बिरसा चौक में, और अभी शाम का 6 बज रहा है, और ये अभी रेडी भी नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ ना? हाँ। अच्छा, पहला लॉट, पहला लॉट है, स्टार्ट हुआ है। और रहा बात यहाँ पे कस्टमर का, कि इंतज़ार करते हैं लोग अभी से ही, और मैं एक राउंड दिखाऊंगा। देखो, यहाँ से कस्टमर वहाँ तक अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बनेगा और कब मिलेगा ना। ये कितने देर में ख़त्म हो जाएगा? ये करीब 6-7 मिनट लगेगा बस। मतलब है, क्रेज तो है इसका पोट कलेजे का। और यहाँ पे हमारे साथ भैया भी है। भैया, आप कहाँ से आए हो खाने? हम तो यहीं बिरसा चौक से। बिरसा चौक, हमेशा खाते हो पोट कलेजी? हमेशा खाते हैं। कैसा लगता है? टेस्ट बहुत अच्छा, टेस्ट है बहुत अच्छा है। ये हम देख रहे हैं काफ़ी देर से ना, बहुत लोग खड़े हैं यहाँ पे, और खासकर खाने के लिए। तो टेस्ट मतलब है लाजवाब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसके बाद क्या जा रहा है? ये ग्रेवी बना हुआ है पहले से। अच्छा, ये अदरक लहसुन मिर्चा का पेस्ट बना करके उसको बॉइल किया रहता है। अच्छा, उसके बाद ये सारा आइटम डलता है ना? ये बन गया ना? नहीं, अभी इसका लटपट होना बाकी है, मतलब हल्का ग्रेवी करना बाकी है। अच्छा। लेकिन लोग ऐसे ही कोई कोई ड्राई पसंद करते हैं, तो अच्छा, जो लोग ड्राई पसंद करते हैं। हाँ, 50 देख सकते हो भाई आप ना, निकाल दे, भीड़ रहता है, मतलब एक फुल है, कस्टमर को डील करना है, वहाँ पे निकाल बनाना भी है यहाँ पे। हाँ, ये देना स्टार्ट हो गया। और कितने का रहता है वैसे? ये हाफ अभी निकल रहा है, 50 का ये है। अच्छा, हाफ 50 का रहता है, और फुल 100 का? फुल 100 का। अच्छा, ये पत्ते में है, यहाँ तो भैया लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पे मतलब एक बार बनना स्टार्ट, ख़त्म होना भी तुरंत स्टार्ट हो जाता है। अब हाथ रुकने वाला नहीं है? नहीं, अब नहीं रुके। अच्छा, ख़त्म होने का। अच्छा, ये ख़त्म होगा तुरंत फिर चढ़ेगा चिकन? चिकन चलेगा। हम लोग के लिए एक दोना बस साइड कर दीजिएगा। बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ, 2 मिनट के अंदर जो है पूरा तवा ख़त्म हो गया ना भैया? देने का टाइम लग रहा है, बस देने का टाइम है ना। अब इसमें क्या लगने वाला? अब इसमें चिली चिकन डालने वाले हैं। चिल्ली चिकन? हाँ। अच्छा जी, कटा हुआ लहसुन डाल रहे हैं। तो अब बनने वाला चिल्ली चिकन, मिर्ची, हरा मिर्च, हरा मिर्च। अच्छा, और ये थोड़ा सा जीरा पाउडर। जीरा पाउडर आता है। चाट को 18 साल पहले शुरू में जब बेचते थे, तो उस समय 10-12 किलो बेचते थे। 10-12 किलो। और अभी का क्या रहता है हिसाब? अभी का अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, 50 किलो जितना माल मिले उतना ही है। अच्छा, जितना भी मिल जाए पूरा सेल हो जाता है। पूरा सेल हो जाता है। हाँ, मिलता नहीं है जल्दी। मिलता भी नहीं है? मिलता ही नहीं है। इसको कलेक्ट करने के लिए सुबह उठते हैं और जाते हैं दुकान, ये मार्केटिंग के लिए। तो कलेक्ट कैसे करते हैं इसको, मतलब क्या रहता है आपका, इसका प्रोसेस कलेक्ट करने का कैसे करते हो? सुबह 8 बजे उठ के जाते हैं। अच्छा, जो भी दुकान में, अच्छा,
जो भी दुकान में कटता है वहाँ पे पहले से ऑर्डर दिया हुआ रहता है हर जगह से, कहीं पे 5 किलो 10 किलो ऐसे से कभी कलेक्ट करते हैं। अच्छा, हर दुकान का बोल के रखते हो? अच्छा, कलेक्ट करके इसमें, एक बार में 2 बजे 2:30 बजे आते हैं दोपहर में। अच्छा, कभी 3 भी बज जाता है। आप ही जाते कलेक्ट करने? हाँ, फिर आके पूरा उसका साफ सफाई होता है। अच्छा, कटिंग होता है। और अभी इसमें क्या गया है, कौन सा मसाला ये सब? ये मसाला बना हुआ है। अच्छा, सारा पाउडर मसाला डाला हुआ है, काली मिर्च है, काली मिर्च है, जीरा पाउडर है। अच्छा, गरम मसाला घर का कूटा हुआ है, MDH का चिकन मसाला है, 50 है आपका, 50 फुल लगेगा। फुल में करीब 15-16 पीस रहता है और हाफ में 7-8 पीस गिन के नहीं ऐसे अंदाज से देते हैं। अच्छा, 8 पीस भी आता है, 9 पीस भी आता है। तो यहाँ का लोग हमको लगता है ज़्यादा पसंद करते हैं ये सब ना? हाँ, शाम में खाना बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब टेस्टी एकदम टेस्टी, और प्लस छोटा सा स्नैक हो जाता है। और एक बार किसी दिन बंद भी रहता है क्या? नहीं, बंद तो किसी दिन नहीं, वही पार्टियों के समय कभी बंद रहता है, घर का कोई प्रोग्राम हो गया तो। और ये आप एक बार ना ये बता दें, टाइमिंग कब से कब रहता है? टाइमिंग यहाँ पे ऐसे ठंडा का टाइम में 4:30 बजे लग जाती है। अच्छा, आ गया रात को 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक ना? अच्छा, तो ये देखो ये आ गया, और हमको लगता है यहाँ पे आप पहले आओ तो बुक करवा लो, क्योंकि ख़त्म तुरंत हो जाता है। हाँ, ये तो हो ही जाता है। ये चिकन आगे फ्राई हो गया ना? हाँ। अच्छा, पीस भी बड़ा बड़ा है यहाँ पे, मतलब एक चिल्ली का जो पीस होता है, हाँ, उस हिसाब से पीस रखा गया एकदम। उधर से डीप फ्राई हो रहा है, एक साइड डीप फ्राई हो रहा है, और एक साइड यहाँ पे गर्मा गर्म जो चिकन है वो आते जा रहा है इसमें। ये जा रहा है काली मिर्च का पाउडर है। अच्छा, और ये जीरा पाउडर है। जीरा पाउडर, ओके। ये गरम मसाला है, घर का बना हुआ गरम मसाला। हाँ, अच्छा। और ये चिकन मसाला। चिकन मसाला सब आपको अंदाज हो गया ना? हाँ, कितना कितना डालना है? कितना डालना है? अच्छा, स्पाइसीएस्ट और जो थोड़ा चटपटा सा मसाला होता है ना, उसका एकदम फ्राई हो रहा है। तो अभी स्टार्ट हो चुका है, ये बन चुका है ना? हाँ, ये रेडी हो चुका है। तो ये बन चुका है, और भैया हम ये चीज़ यहाँ पे देखते हैं झारखंड में कि यहाँ पे हरा हरा पत्ता रहता है, किस चीज़ का पत्ता रहता है? ये पत्ता यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है, सखुए का पत्ता होता है। सखुआ का पत्ता रहता है? अच्छा, पूरा देसी अंदाज में खिलाया जाता है? देसी अंदाज में, इसमें खाने से थोड़ा सा ज़्यादा स्वाद का देसीपन, मतलब पत्ता वाला फ्लेवर देसीपन आता है, थोड़ा स्वाद का चेंजेस हो जाता है। तो यहाँ पे एक पत्ता ये निकल चुका है, ये कितने का रहता है? ये फूल है 90 का। अच्छा, फूल 90 का। हाँ, ये 90 का है, फूल है। अरे भैया, पे एक प्लेट बन चुका है ये, और हम लोग पहले एक प्लेट टेस्ट करते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो इसमें चिकन का सारा पीस मिक्स रहता है ना? मिक्स रहता है। अच्छा, बोन बोनलेस सब मिक्स रहता है। और ये हो गया हाफ, ये हाफ है ना? ये हाफ। ये कितने का होता है? ये 50 का। अच्छा, तो 50 का ये हो गया, और इस पर हरा हरा एकदम प्याज जो होता है ना, जो चटपटा, और आपको इसके साथ खाने में मज़ा आएगा, ये लोग यहाँ ज़्यादा पसंद करते हैं। और खासकर ये जो सखुआ का पत्ता होता है ना, उसमें आपको मैं एक बार टेस्ट करके बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। ये देखो, ये देख सकते हो, ये रहा चिकन चिल्ली। आप देख सकते हो यहाँ पे भाई, चिकन के पीस जो होते हैं ना, बोन और बोनलेस दोनों यहाँ पीस होते हैं। ये देखो, इतने बड़े बड़े पीस होते हैं, और ये होने वाला फुल होता है 90 का, 90 का, और हाफ आपको मिल जाएगा 50 का। और इसके पीस की बात करें यहाँ पे, देखो ये ना अच्छे से एकदम बन गया, मतलब जिसको डीप फ्राई किया जाता है ना, काफ़ी लाजवाब तरीके से फ्राई किया। तो चलो हम इसको टेस्ट करते हैं। गर्म सच में, इसका टेस्ट भी ना लाजवाब है। बात करें इसके जो मसाले डाले हुए ना, और जो ग्रेवी है, उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आ रहा है। अच्छे से सब मसाला, ग्रेवी जो होता है, आप ड्राई भी ले सकते हो, ग्रेवी वाला भी ले सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो भाई मैंने ले लिया है यहाँ पे पोर्ट कलेजी, जो कि शाम का जो यहाँ पे नाश्ता बोलो, या आप इसे दूसरी भाषा में बोल सकते हो यहाँ का चखना। तो ये आपका पोर्ट कलेजी होता है 50 का, और मैं यहाँ दिखा दूँ, यहाँ पे आपको पोर्ट कलेजी दोनों पीस मिक्स मिलता है। ये देखो, इसे टेस्ट करते हैं। मसाले की बात करें तो इसमें जो मसाला जितना पड़ा है ना, सच में इसको ना बहुत ही चटपटा और एकदम स्पाइसीएस होता है ना, वैसा ना, ज़्यादा तीखा भी है। 50 रुपये की बात करें ना, 50 रुपये में भाई सच में ये वर्थ इट है, मतलब एक नंबर टेस्ट, देसी भाषा में बोले तो लाजवाब शानदार। तो भाई सच में दोनों का टेस्ट एक नंबर है, मतलब अगर आप बिरसा चौक आए हो इस एरिया से, हटिया हो क्या हो, चाहे मेन रोड हो क्या हो, तो इस एरिया पे जरूर आना, रांची आए तो एक बार जरूर से टेस्ट करना। और आपको ये हमारा फूड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सजेस्ट करना कि अगर कोई अदर वीडियो
तो वो हम लोग बनाए, वो टेस्ट करें। मिलते सीधे नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जो वीडियो आप देख रहे हो।